बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अती खालिद धनिया। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है मौजूदा हुकूमत के कारनामों के हवाले से कि मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है, किस हवाले से ये काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। ये जो बयानियां लेके आए थे कि हमने महंगाई को ख़त्म करना है, उस बयानी को उन्होंने खुद ही रद्द कर दिया है, क्योंकि अब उनके जो वफाकी काबीना के इजलास होते हैं तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ झूठी तसल्लियाँ दी जाती हैं। आज फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्की सियासी और माशी सूरतेहाल पर तफसीली बहस हुई है। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-खजाना मिफ्ता इस्माइल एक बार फिर ज़ेर आताब रहे। अराकीन ने ताबड़तोड़ सवालात पूछ लिए। इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-खजाना को मुखातिब करते हुए कहा कि मिफ्ता साहब, मैं आपका दिफा नहीं करूंगा, टैक्सों और तेल की कीमतों में इजाफे पर अपने साथियों को मुतमईन करें। इस मौके पर वज़ीर-ए-दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तेल की कीमतों में होशुबा इजाफे से हम सब जमातों का आवामी ग्राफ गिरा है, जिस पर वज़ीर-ए-खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि IMF से जल्द अच्छी खबर मिलेगी। अच्छा, जल्द अच्छी खबर मिलेगी, ये उनका कहना है कि अब ये पहले तो ये कह रहे हैं कि पिछली जो हुकूमतें हैं वो जो PTA वाली हुकूमत के हवाले से कह रहे हैं कि उन्होंने जो IMF के साथ मुआहदे किए हैं वो बड़े मुश्किल हैं, हमारे लिए आसान नहीं है कुछ महंगा करना। तो ये महंगाई के हवाले से भी कहते हैं कि हमारे लिए मुश्किल फ़ैसले होते हैं, लेकिन अभी वो ये कह रहे हैं कि हमने जो जल्द ही आपको IMF से अच्छी खबरें मिलेगी, तो समझ से बाहर हैं कि कौन सी अच्छी खबरें हैं, क्योंकि रोज़ बरोज़ इनके जो फ़ैसले होते हैं, इनके जो आवाज़ें होती हैं, इनके अजीब से बयान सामने आते हैं। अमीरों के लिए उन्होंने कहा कि टैक्स बढ़ाया जाएगा। कहते हैं कि मुझे कीमतें बढ़ाने का शौक़ नहीं, मगर आलमी मंडी को देख लें। अब आलमी मंडी की बात अगर की जाए तो जो पिछली हुकूमत थी इमरान खान साहब की हुकूमत, तो उस वक्त भी ऐसे ही महंगाई थी। उस वक्त ये लोग एक रुपया बढ़ता था पेट्रोल की कीमत में तो शोर करते होते थे। मरियम नवाज साहिबा कहती होती थी कि जब एक रुपया बढ़ता है तो मेरे जो अब्बू हैं, यानी कि उनके जो फदर हैं नवाज शरीफ साहब, उनको पूरी रात नींद नहीं आती, ये वो कहती होती थी। आज कितने रुपये बढ़ गया है पेट्रोल की कीमत, आप देख लें कि 100 पेट्रोल की कीमत बढ़ी 84 रुपये, और इसके अलावा डीजल की कीमतें बढ़ी, और इसके लाइट ऑयल जो हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन यह है कि आज उनको बड़े आराम से नींदें आ रही हैं, वो बड़े सुकून से सो रहे होते हैं, और वो कहते होते उस वक्त वो कहते होते थे कि ये एक रुपया पड़ता है तो मेरे अब्बू जान को नींद नहीं आती, पूरी रात जागते रहते हैं, रोते रहते हैं, ये मरियम नवाज साहिबा कहती होती थी। इजलास के दौरान FATF के अहदाफ हासिल करने पर अफवाज पाकिस्तान और मुतलका इदारों को खराज तहसीन पेश किया गया, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंशाअल्लाह जल्द ग्रे से वाइट लिस्ट में जाएंगे। कौमी सलामती के इदारों और उनके सरबराहान के खिलाफ तहरीक इंसाफ का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा काबिले मुजम्मत है। इस्लामाबाद में वफाकी काबिना का इजलास हुआ, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने। उन्होंने क्या क्या कहा ये भी हम आपको बताते हैं। कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नागुजीर था, हमने दिल पर पत्थर रख कर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है। ये बार बार कहा जाता है कि हमने दिल पर पत्थर रख के पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है, बार बार समरियाँ भिजवाई जाती हैं और ख़ुद ही पेट्रोल महंगा किया जाता है, फिर ये लोग कहते हैं कि हमने दिल के ऊपर पत्थर रखा है और उसके बाद हमने पेट्रोल की कीमत ज़्यादा की है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो अशिया खुरानोश जो है, आप देखते हैं कि खाने पीने की जितनी भी अशिया होती हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, और एक गरीब आदमी जो है वो पिस कर रह जाता है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाला इजाफा रोककर और सब्सिडी देकर आने वाली हुकूमत के लिए जाल बिछाया, ये शहबाज शरीफ साहब का कहना है। कहते हैं कि हम आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, अब समझ से बाहर है बात कि रिलीफ किस तरह को वो दे रहे हैं। महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है, जब से ये लोग आए हैं तब से महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। आज अगर बात की जाए घी की, वो कहते हैं कि हमने घी सस्ता देना है। आज अगर बात की जाए चावल की, चीनी की, और उसके अलावा अगर बात की जाए आटे की, तो ये लोग कहते हैं कि हमने सस्ता आटा देना है, सस्ती चीनी देनी है। लेकिन अगर ये बात की जाए यूटिलिटी स्टोर के ऊपर अगर चले जाएँ तो वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। लंबी लाइनें लगने के बाद अगर आपको 5 किलो चीनी चाहिए होती है तो पूरी लंबी लाइन लगने के बाद 1 घंटे के बाद आपको 5 किलो चीनी या 1 पैकेट घी का मिलता है।
ये बहुत मुश्किल फैसले कर रहे हैं। कहते हैं कि हमने मुश्किल फैसले किए, लेकिन यह कि ये जो सब्सिडी दे रहे हैं, ये जो आसानियां पैदा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी स्टोर पर, आम दुकानों के ऊपर अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे वही रेट होते हैं, ज़्यादा रेट होते हैं। जो एक आम आदमी होता है वो अगर भागता है यूटिलिटी स्टोर की तरफ तो लंबी लाइनों में उसको सामना करना पड़ता है। तो उसके बाद फिर उसको जब नंबर आता है उसका आईडी कार्ड लिया जाता है, उस आईडी कार्ड के ऊपर मैसेज किया जाता है उसके नंबर से, जब नंबर के ऊपर मैसेज किया जाता है फिर उसको वापस जो एक मैसेज रिटर्न में आता है तो फिर उसको एक घंटे के बाद 2 किलो चीनी या 1 घी का पैकेट आटे का मिलता है। ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के कारनामे हैं। इसीलिए कहते हैं कि 2000 रुपये फी घराना दे रहे हैं, 2000 रुपये इतनी महंगाई करने के बाद। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि एक आम आदमी अगर एक घर का सामान पहले अगर 20,000 का लेके आता था, आज वही सामान जो है उसको 30,000 रुपये का मिल रहा है। अगर 10,000 महंगे करते हैं, सामान महंगा हो गया और 2,000 वो दे के कौन सा बड़ा तीर है, ये तो मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हम 2,000 जो दे रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में इजाफ़ा हुआ है उसका बोझ कम हो सके। ये गरीब आवाम से पूछें कि क्या 2,000 से उसका बोझ कम होगा। आज गरीब आदमी जो पैसे कमाता भी नहीं वो भी 2,000 के ऊपर हंस रहा है कि हमें जो 2,000 दिए तो इसका हमने क्या करना, महल्लात बनाएं या कि हम कोई कारोबार शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि हमने बहुत मुश्किल वक्त में हुकूमत संभाली। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने मुश्किल वक्त में हुकूमत संभाली। अगर आपको पता था कि मुश्किल फैसले करने हैं या मुश्किल वक्त में हुकूमत संभाली तो मुश्किल वक्त में आप हुकूमत में गए क्यों? आपके पास तो बड़े एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं, आपको भी पता होता है कि अगर जो पीटीआई की हुकूमत थी उन लोगों ने आईएमएफ के साथ जो मुआहदे किए थे, अगर मुआहदे कर रहे थे, अगर दस्तखत नहीं किए थे, जो उन्होंने मुआहदे किए थे, आप लोगों के पास भी तो एक्सपर्ट बैठे हुए थे। आप लोग ना जाते हुकूमत में, आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आप हुकूमत में गए और जाके आपने खुद अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी आपने। कहते हैं कि पिछली नाअहल हुकूमत की वजह से हमें माशी बहरान मिला, दुनिया में माशी सूरत हाल बहुत गंभीर है, ये मुश्किल वक्त है ज़रूर है, लेकिन हम आवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन माशी बहाली के लिए मज़ीद मुश्किल फ़ैसले करने पड़े तो करेंगे। ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने अगर माशी बहाली के लिए मुश्किल फ़ैसले मज़ीद करना पड़े तो करेंगे। यानी कि उनका ये कहना है कि हमने आवाम के ऊपर महंगाई बम गिराने पड़े तो हम गिराएंगे, अपनी जो हमारे पास उनके सहूलियात हैं उनकी जो आसाइशें हैं वो ख़त्म नहीं करनी, लेकिन आवाम के जो उनके मुश्किल फ़ैसले उनके आवाम के ऊपर करने पड़े, आवाम के ऊपर महंगाई का बम गिराना पड़ा तो वह हम गिराएँगे, लेकिन अपनी आसाइशें हमने ख़त्म नहीं करनी। उन्होंने कहा कि हम आइंदा बजट में आवाम पर से टैक्स का बोझ मज़ीद कम करेंगे। मज़ीद ऐसे मज़ीद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जैसे पहले, इससे पहले उन्होंने मज़ीद के बोझ कम किया है और अब ये करेंगे मज़ीद कम करेंगे। अब पिछला आपने बजट देखा कि बजट में किस तरह से आवाम के ऊपर महंगाई का बम गिराया गया और मुश्किल फ़ैसले जो कह रहे हैं कि आवाम के लिए ये मौत है, एक गरीब आदमी मर रहा है, खुदकुशियां कर रहे हैं लोग। उन्होंने कहा कि आईएमएफ के साथ मुआहदे में जो मुश्किलात पेश आ रही हैं वो आपके सामने हैं। बजट में अमीर तबके को टैक्स नेट में लाया गया है, मुश्किल फ़ैसले करना हमारी मजबूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उम्मीद है कि जल्द अच्छा वक्त आएगा। ये तो सिर्फ आपको ही उम्मीद है कि आपका जल्द अच्छा वक्त आएगा, लेकिन जब गरीब आदमी जो है उसका अच्छा वक्त कभी नहीं आएगा, क्योंकि हालात जो ऐसे जा रहे हैं गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है और आप लोग जो है अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत इखलास के साथ तमाम मुश्किलात अबूर करेगी, मुल्की मईशत को मजबूत करने के लिए किसी इकदाम से नहीं हिचकिचाएंगे, मुश्किल और बोल्ड फैसले किए हैं, मजीद भी करने पड़े तो करेंगे, रवा बरस 200 अरब रुपये टैक्स इकट्ठा करेंगे। ये उन्होंने कहा कि हमने टैक्स इकट्ठा करना है। इमरान खान साहब भी इकट्ठा करते होते थे, उनको ये इकट्ठा नहीं करने देते थे, वो 1 रुपया महंगा करते थे, पेट्रोल का या किसी चीज़ का महंगा होता था शोर मचाते होते थे। तो अब जो है इनको पता नहीं कैसे नींद आती है, समझ से बाहर है। ये था आज की वीडियो, अगले वीडियो में हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।